जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों, क्या हाल, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम हैं हमारा ब्यूटीफुल लोकनायक गंगा पथ पे। बहुत खूबसूरत है भाई, मत पूछो, मतलब दिल खुश कर देता है मेरा। तो डेवलपमेंट में एक अपडेट है कि एक जो अमृत एक्सप्रेस करके आया है, जो कि नॉन एसी है, वंदे भारत जैसी, बहुत ही खूबसूरत है। आप वीडियो देख सकते हो, बहुत सारा वीडियो है, और नेट पर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, जाओ ना यार। हाँ, हम मोदी जी की जा रहे हैं, मोदी जी के पार्टी के मेंबर हैं। तो अभी मैं माता पिता को अपने छोड़ के नहीं आ सकता, क्योंकि अभी उनकी सेवा करनी है, तो समझे बात को। और ये अटल पथ, सॉरी अटल पथ, यहाँ से अटल पथ निकल जाएंगे सटाक से, तुम दिघा ही निकल जाए बेटर रहेगा, सट से पहुँच जाएंगे, थोड़ा लंबा पड़ेगा बट हाँ, चलो अटल पथ होकर निकलते हैं, बेटर रहेगा भाई, अटल पथ होकर निकलते हैं, बहुत खूबसूरत है, मतलब देखो मज़ा आएगा। और वहाँ से फिर घर निकल जाएंगे शाम में। अभी हम थोड़ा सा लेट हैं ऑफिस के नाम पे, ठंड बढ़ गई है, तो थोड़ा सा अपने ख्याल रखिए। और सलार का जो मूवी रिव्यू है वो अपलोड हो गया, आप लोग नहीं देखा तो देख सकते हो। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सलार का जो रिव्यू है ये है फेक है, ये फेक है, वो फेक है। अरे भाई, जब कंटेंट बढ़िया नहीं होता है ना, तो भाई मूवी का अब तुम जो बोल सकते हो तुम्हारे लिए वो सही हो जाएगा। तो यार थोड़ा सा अपने कंटेंट पे काम कर लो यार, ताकि तुम्हारा मूवी भी बढ़िया लगे। और टंकी अच्छा नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सलार की मूवी का इनकम ये फेक है, ऐसा है वैसा है, तो कुछ नहीं। बहुत से कैपिटल सी लोग हैं जो कैपिटल सी ही बोलूँगा उनको, क्योंकि बहुत से कैपिटल सी हैं जो ये सब फालतू बातें बोल रहे हैं, बट बोले तो अब उनकी भी चमड़े की जवान है, चमड़ा पे कोई टैक्स, बोलने पे कोई टैक्स नहीं लगता है, तो ना डाटा पे टैक्स है ना बोलने पे टैक्स है, तो बोलने वाले बोल रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, और क्या बोलते हैं, तुम ऊपर नीचे ABCD लगा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। गाली मत देना, मन में जो भी देना है मन में देना ऐसे लोगों को, सी है, डी है, कैपिटल ए है, बी है, जो भी है। मैं ये सब देखो यार, मेरे चैनल पे ना सब कुछ के लिए सोचेंगे फ्री है, बस गाली मत देना, सोच, तुमको जो सोचना सोच सकते हो, गंदी गाली, अच्छी गाली, ख़राब गाली, घटिया गाली, वट एवर A to Z थिंग तुम सोच सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है, मैं नहीं रोकने वाला हूँ, ठीक है। बस गाली लिखना मत यार, मदर बोर्ड लिख दो, मदर चोर लिख दो, बेटी चोर लिख दो, ये सब चल सकता है, बट अप्रोप्रिएट गाली का शब्द मत यूज़ करना, अदरवाइज मार लेगा YouTube का AI मेरी मार लेगा, ठीक है, मेरे चैनल की मार लेगा, इसके फोकस करना, बर्दाश्त करना इसको, ठीक है। तो अभी हम हैं, बहुत ज़बरदस्त यहाँ का माहौल है, भाई मतलब अगर इधर पेड़ हो जाए, इधर तो बिल्डिंग अगर बन जाएगी ना, इधर बिल्डिंग अगर बन जाएगी ना, तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, लोग यहाँ पे एक एक मंजिला है, इधर बिल्डिंग बन जाएगी, और इधर रोड है, वो बगल में गंगा जी है, तो ये सब खूबसूरती का थोड़ा प्लान कर सकता है। अगर गवर्नमेंट तक मेरी बात गई तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा तुम ना इसके डेवलपमेंट फोकस करो, बिहार के डेवलपमेंट फोकस करो। तो अगर आप बिहार को डेवलप करना चाहते हो, पटना को डेवलप करना चाहते हो, तो थोड़ा सा ना टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, तुमको जितनी राजनीति करनी करो, जात की, पात की, ABCD की, जो भी है, भाई हमको डेवलपमेंट तो दो कम से कम, डेवलपमेंट वाले जो जाती हैं, डेवलपमेंट वाले जिसको डेवलपमेंट चाहिए, भाई डेवलपमेंट दे कम से कम यार, तो डेवलपमेंट देना नहीं है। ये बता, इतना खूबसूरत रोड दिया है तो अब क्या चाहिए भाई, इससे अच्छी अच्छी रोड बनाओ ना। पटना में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इधर ही हुआ है, पटना के बीच में नहीं है, कंकड़बाग चले जाओ तो फिर वहाँ भी रोड ख़राब है, गाँव देहात का भाई मत पूछो, हालत एकदम घटिया है, रोड तो चले गए हैं, और जो सब रोड बनाने हैं वो सब रोड अभी तक बने नहीं है, अब क्या दिक्कत है, वहाँ का मुख्य दिक्कत है ये। तो यार काम करो ना यार, उन सब पे जाओ, गो एंड टॉक टू देम ना, सरकार का आदमी कर क्या रहा है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। तो मेरा सुझाव है, ये देखो, ये साफ सफाई चल रही है, धूल मिट्टी गई, तो ये सभी बहुत गजब चीज़ें, बढ़िया चीज़ें, लेकिन इसमें भी थोड़ा इनोवेशन होना चाहिए भाई, पानी पड़ता है जब चेहरे पे आता है, तो वो सभी थोड़ा सा समझो बात को, परेशानियों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि कैसे होता है, कैसे होगा, क्या होगा। तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इन सब पे फोकस कीजिए, नहीं कर सकते तो यार बता दो यार, हमसे नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं कर सकते, जो डेवलपमेंट वाले मंत्री सिर्फ उनको रखो, तो प्लीज़ चुनाव नहीं जीतो, सिर्फ डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट करोगे चुनाव खुद ब खुद जीतोगे, ये रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है। तो दोस्तों, तो यही बात है, चलो आपको कैसा लगा बताना, अपन थोड़ा सा रेज नहीं करना चाहेंगे, टंकी मैंने कल फुल करवाई है, 1500 समथिंग लगा है, ठीक है, तो एक बार मैं टंकी फुल करवाता हूँ, ज़्यादा लोचा नहीं है, बार बार पेट्रोल पंप जाने का झंझट ही हमें थमेला ही करो, तो सब कुछ ठीक है यार। थोड़ा सा महंगाई होगा, तो मुझे तो नहीं लगता महंगाई है, अगर महंगाई होती तो मेरी फिर फटती गाड़ी पालने में, ये जो गाड़ी पाल रहा हूँ ना,
मुझे इसको पालने में मेरी फटती, ठीक है। चलो खैर ये सब बात है, और बाकी सब तो तुमको पता ही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, दूसरे को बताओ यार, क्योंकि आने वाले समय में नेता तुम ही ना बनोगे यार, हम नेता बनेंगे तुम नेता बनोगे, ठीक है। तो नेता बनिए और देश को बचाइए, क्योंकि जो हमारे निठल्ले नकारा नेता है उनसे कुछ होने वाला नहीं है। इन सब गाड़ियों को कुछ होना चाहिए, ऐसा इलाके लॉ होना चाहिए कि इन सब गाड़ियों का ऑक्शन हो जाए, जो ज़रूरतमंद है उनको गाड़ी मिल जाए, जैसे रैपिडो चलाते हैं उनको गाड़ी मिल जाए। तो ऐसा नहीं कि रोज़गार का कमी, रोज़गार का बिल्कुल ही कमी नहीं है, लेकिन लोगों के पास करने का वो विज़न नहीं है। हर किसी को सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, क्यों भाई बैठे खाना है, दैट्स इट। सरकारी नौकरी में जाने वाले के ना एक अलग एक टेस्ट होना चाहिए, एप्टीट्यूड टेस्ट, कि हाँ आपको अगर इस परिस्थिति में रखा जाए तो आप कैसे बिहेव करोगे। और हाँ, जो भी सरकारी नौकरी करते हैं वो लोग अपना घर बनाते हैं लंदन, अमेरिका, कनाडा, यार मत करो ऐसा यार, अपने गांव में जाओ, अपना गांव में घर बनाओ, गांव में रहना सीखो, गांव के आसपास को संभालो, समझो। विधानसभा आर ब्लॉक सेक्रेटरीट, तो ये सब सीन है। और ये सब जो खाली प्लॉट, इस पर भी कुछ कुछ डेवलपमेंट का होना चाहिए, जैसा कि वहाँ महावीर मंदिर के बगल में जो बिल्डिंग मैंने बहुत पहले दिखाई थी अपने इंस्टाग्राम पे, मैंने अपलोड किया है, तो वो वहाँ पे भी कुछ बन रहा है। तो अब क्या बन रहा है, अभी वहाँ पे बस स्टैंड बन रहा है, ठीक है। अब कौन सा बस स्टैंड बन रहा है ये नहीं पता, लेकिन कोई नया बस स्टैंड बन रहा है। ये अटल पथ भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्ट्रेच है। यही सब डेवलपमेंट हुआ है ना बिहार में, जो मज़ा आता है। और इन सब पे यार चलाने में, जो गाड़ी में आप एक स्पीड पकड़ लो, मैं गांधी मैदान से कटता हूँ यहाँ पे, एक स्पीड पकड़ता हूँ सट से पहुँच जाता हूँ, मुझे हार्डली सार्डली 15 से 20 मिनट लगता है, क्योंकि मैं तुम लोग से बात कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रहा है, ये मतलब स्लो चल रहा हूँ, नहीं तो मेरे को हार्डली से हार्डली 15 मिनट, दैट्स इट। टॉप स्पीड यहाँ 80 के ऊपर नहीं जा सकते, हाँ 70-80 के नीचे ही रहता हूँ मैं, आराम से फट से पहुँचता हूँ, ठीक है। तो यही सब बात है दोस्तों, तो ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, यहाँ से मैं कट लूँगा अपने काम के लिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए, जो भी कुछ होने वाला है, अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने आप का ख्याल रखिए, और जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों।